नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे LRA, RLA और FLA के बारे में। इसी आप बहुत बार एसी का स्टिकर पर लिखा हुआ देखते हैं या फिर कंप्रेसर के स्टिकर पर लिखा हुआ देखते हैं, ये सिंगल फेज एसी रहे या फिर थ्री फेज एसी, यानी कि आपको RAC रहे या फिर पैकेज एसी हो गया, सेंट्रल एसी हो गया थ्री फेज का, है ना, HVAC। ये हर एक जगह स्टिकर आपको दिखा हुआ मिलता है, कहीं पर FLA, RLA और LRA। ये होता क्या है और इसे क्यों लिखा हुआ रहता है कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, मेन चीज यही समझ जाते हैं उसका काम क्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं LRA। LRA इतर बार तो सिंगल फेज में खास कर लिखता है लिखता है, और खास कर कंप्रेसर पे वहां पर लिखा हुआ इतर बार दिखाई दे देगा या फिर स्टिकर पे भी। LRA क्या होता है? तो LRA जो होता है नॉर्मली लॉक रोटर एम्पियर, से फुल फॉर्म समझिए, फुल फॉर्म से आपको काम मालूम पड़ जाएगा। LRA क्या होता है? लॉक रोटर एम्पियर, लॉक रोटर एम्पियर। अब लॉक रोटर एम्पियर मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, ये भी कोई भी मोटर ले लीजिए, इसका जरूरी नहीं कि हम सिर्फ कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, कोई भी मोटर, उसका LRA क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई देने से पहले क्या होता है, मेरा कंप्रेसर बंद अवस्था में होता है, उसका रोटर बिल्कुल बंद है। अब क्या, जैसे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट AC या 443 फेज के लिए, तो वहां क्या होता है, उसका रोटर स्टार्टअप लेता है। तो बंद अवस्था से चालू अवस्था में यानी कि रनिंग लेने के लिए उससे पहले तक का जो एम्पियर होता है, यानी बंद से लेकर के चालू जो होता है रनिंग लेता है, उससे पहले का एम्पियर यानी कुछ क्षण का एम्पियर, जैसे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं ना कुछ क्षण के लिए, यानी एक सेकंड से भी कम क्षण के लिए क्या होता है, वो हाई एम्पियर लेता है। यहाँ पर देते हैं कोई भी मोटर, अगर पावर सप्लाई देते हैं उसका रोटर बिल्कुल जाम है और उसका कॉइल बिल्कुल सही है, हम लोग पावर सप्लाई देते हैं उसका हाई यानी कि लोड एकदम बढ़ जाता है, वही क्या था, लॉक रोटर एम्पियर होता है वही मेरा, यानी कि चालू होने से पहले का जो एम्पियर होता है उसमें क्या होता है, लॉक रोटर एम्पियर। LRA आपको समझ में आ गया हो, है कि नहीं। LRA से अपना टर्न भी पता कर लेते हैं, जितना भी आपको सिंगल फेज में जो RAC में पर रूम एयर कंडीशनर जो उसमें आपको LRA नंबर दिया हुआ, इससे आपको इससे पहले हम बतलाया हुआ है कि ऐसे कितने कितने तरीका से पता करें कितने टर्न के है, तो छह तरीका से हम बतलाए हुए, उसमें LRA के बारे में बतलाया हुआ। सिंगल फेज में क्या करना, जितना भी LRA नंबर दिया हुआ रहेगा आपको 36 से भाग देना है, जितना आएगा वो मेरा टर्न भाग टर्न हो जाएगा, ये सिंगल फेज इसी के लिए हो गया। थ्री फेज में क्या करना, 12 से भाग देना और जितना LRA आएगा मेरा वो उतना टर्न का हो जाएगा, ये समझ में आ गया आपको। दूसरा आपका FLA और RLA। अब समझ लेते पहले RLA। अब क्या था, पहले बंद अवस्था, बंद से चालू होने में जो एम्पियर लेता था वो मेरा LRA। अब मेरा चालू हो चुका है, चालू हो चुका और कंटिन्यू मेरा रोटर उसका घूम रहा, उसका रोटर कंटिन्यू घूम रहा, वो क्या चीज कर रहा था, RLA, रनिंग लोड एम्पियर, RLA, रनिंग लोड एम्पियर, यानी कंटिन्यू जिस स्पीड में चलाते हैं, जैसे पंखा हो गया, कोई भी मोटर हो गया, तो जिस स्पीड में चलता है वही मेरा RLA कहलाता है, रनिंग लोड एम्पियर। जब बोलता है रनिंग एम्पियर बतलाइए, रनिंग एम्पियर उसी को बोला जाता है RLA, रनिंग लोड एम्पियर, ये चीज होता है, आपको समझ में आ गया RLA। उसके बाद क्या होता है, FLA। अब FLA क्या होता है, जैसे खास करके FLA आपको इस मोटर में लिखा हुआ रहेगा, जिसमें आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मतलब कि उसका कंप्रेसर के RPM को कम ज्यादा कर सकते हैं, है कि नहीं, वही मेरा होता है FLA। उसका मतलब क्या होता है समझिए, हम लोग चालू करते हैं कंप्रेसर को, वो चालू भी होता है और वो धीरे धीरे एम्पियर उसका बढ़ता है, और धीरे धीरे एम्पियर बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाता है, अपना हाई मैक्सिमम एम्पियर, मैक्सिमम एम्पियर, जिससे कि डेटन एसी है मैक्सिमम एम्पियर कितना चला है, 10 एम्पियर, और इन्वर्टर एसी है तो फुल लोड पे, यानी ये नॉर्मल लोड उसके लिए कितना लगेगा, 6 से लेकर 8, अब फुल लोड यानी वही डेटन एसी 2 टन के बराबर जब काम करेगा तो मेरा 10 एम्पियर 11 एम्पियर पर कंटिन्यू काम करेगा, उसका जो वो चीज होता है वही मेरा FLA होता है। FLA मतलब क्या है, फुल लोड एम्पियर, फुल लोड एम्पियर, यानी अपना फुल लोड पर जिस समय चलता है वही मैंने क्या कहलाता है, FLA। तो मैं क्या कहलाया, FLA, फुल लोड एम्पियर। अगर इसमें कहीं पर भी दिक्कत हो वीडियो संबंधित या इन्फॉर्मेशन संबंधित, तो आप कमेंट आप जरूर करें, इससे आपको वीडियो